हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स जो हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, जो बचा हुआ आपका जो है, जो हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इस सेशन में हम लोग लिमिट्स का जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक है, जो बचा हुआ टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दिस वीडियो। तो इस सेशन में पहले सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का जो है कुछ क्वेश्चंस किया था उस सेशन में भी। लेकिन 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज फिर से एक क्वेश्चंस में जेई मेंस का करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चंस है जो कि जेई मेंस में पूछा गया है, वो बहुत बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है जेई मेंस में। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है आपका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर का पावर 2x बराबर ई स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको पता करना है वैल्यू लिमिट का कैसे निकालेंगे। तो ये जेई मेंस में पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस का ये, और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, निमसेट में भी पूछा गया। ये निमसेट जो एमसीए एंट्रेंस में जो है, निमसेट में भी कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है पकड़ना है क्वेश्चन को कि है किस फॉर्मेट का। तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का ही है, क्योंकि आप पुट कीजिए तो अगर पुट करेंगे x के जगह पे इंफिनिटी, a बाई इंफिनिटी मतलब समथिंग बाई इंफिनिटी, कुछ भी ऊपर में न्यूमिनेटर दिया हुआ है, अगर उसका डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है। इस तरह से बी बाई एक्स स्क्वायर, अगर यहां पे हम अगर बी बाई इंफिनिटी समथिंग बाई इंफिनिटी यहां पे भी अगर रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यहां पे 1 का पावर और 2 इंटू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का है ये तो पता चल गया। अब 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का रहता है तो हम लोग करते क्या है, तो फंक्शन में एक घटाते हैं, तो फंक्शन में एक क्या करते हैं, घटाते हैं, उसके बाद पावर को जो है मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका था कि फंक्शंस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, फंक्शंस क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए बाई एक्स, तो 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पावर में जो रहता है उसको मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद आपका दिया हुआ है ई स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या आ गया, ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब एक और बात बताया गया होगा 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में कि लास्ट में जो हम लोग फंक्शंस में घटाकर जो 1 घटाते हैं, उसके बाद जो वो बचता है रिजल्ट, वो e के पावर में जाता है, e के पावर में। e के पावर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, अब इसको 2x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो a बाई 2x बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसको ई स्क्वायर के बराबर करना है, ठीक है। अगला क्या है, यहां से आप ऊपर में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे अब सॉल्व होगा, ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, अब एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक कैंसिल यहां पे होगा, तो यहां पे हम क्या बचा, ए प्लस टू बी बाई एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2a, 2a प्लस 2b बाई एक्स, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। अब इधर से क्या होगा, x x x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर पुट करते हैं तो फिर से ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, e का पावर अगर लिमिट का वैल्यू अगर पुट करते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो जब हो गया
तो बचा क्या e का पावर 2a, और आप जानते हैं कि इस तरह का अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो बेस यहां पे सेम है, e e दोनों का बेस e दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं 2a इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2a इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया 1, और यहां पे इस क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा था यही कि a और b का वैल्यू बताइए, तो a और b का वैल्यू, a का वैल्यू तो 1 हो गया, अब b का वैल्यू क्या है, कोई भी रियल नंबर आएगा, b बिलोंग्स टू r, मतलब कि b अगर नहीं कुछ आया तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया गया दिया रहेगा कि a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, b इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इस तरह से ऑप्शन में आपको पकड़ना है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको इस तरह से भी दिखेगा ये क्वेश्चंस में, तो आपको ये ऑप्शन को टिक करना है, तो ये जेईई मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने अभी किया, और कभी कहीं भी अगर आपको किस क्वेश्चन को समझने में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आ रहा है जो कि डीएल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल लिमिट का सबसे फेमस टॉपिक है, जो कि ये बहुत ही आसान होता है और आपको बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि ये डीएल हॉस्पिटल रूल कहा जाता है, और ये बहुत सारा, और इस मेथड से हम लोग लिमिट का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड करते हैं, जैसे आपका डीएल हॉस्पिटल, ये टॉपिक है आपका डीएल हॉस्पिटल, जैसे कोई फंक्शन दिया गया है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, पहला एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स जीरो, ठीक है, दूसरा एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूअस एट x बराबर a, ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर ए, कहने का मतलब कि कोई भी लिमिट का अगर आपको फंक्शन डीएल हॉस्पिटल रूल से अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले उस लिमिट को चेक करना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू जीरो है, अगर मान लीजिए जीरो जीरो दिया गया है, तो जब भी आपको देखिए डीएल हॉस्पिटल रूल तभी हम लोग लगाते हैं, तो इनडिटर्मिनेसी क्रिएट होता है तब भी हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के हम लोग उस इनडिटर्मिनेसी को हटाते हैं, सॉल्व करते हैं बाय द डिफरेंशिएशन मेथड। तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल का मतलब ही होता है कि जब भी आपके क्वेश्चन में जीरो बाय जीरो का शकल आ जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का शकल आ जाए, तब हम लोग लगाते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इनडिटर्मिनेसी को रिमूव करने के लिए अलग टेक्निक भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन ये भी अलग से रूल आपको याद रखना है कि जब भी आपके क्वेश्चंस में जीरो बाय जीरो या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाए क्वेश्चंस में, तो आपको डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगाना है। तो इसमें सिंपल सा करते क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक आपका इनडिटर्मिनेसी आते रहेगा तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है, जो कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो भी 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको जरूर वो आता होगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन रहेगा थोड़ा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, तो आपको जो कि है सिंपल सा वो दोनों फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फंक्शंस क्या कहता है कि डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने के पहले आपको ये देखना है
कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटना नहीं चाहिए, ऐसे जब आ रहा है तो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ, मतलब कि ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, उसको हम लोग कंटिन्यूअस। मान लीजिए कि अगर इस तरह का एक्स वाई प्लेन है तो यहां से अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो मतलब एट एक्स बराबर ए इस तरह से, तो ग्राफ कहीं भी अगर ब्रेक हो गया तो वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो कंटिन्यूअस अगर होगा तो डिफरेंशिएबल होना ये जरूरी नहीं है। ये आप अगर जब भी हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर्स को जब स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएबल कैसे होता है, कंटिन्यूअस कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा अभी कंटिन्यूअस का मतलब जब ग्राफ नहीं टूटता है तो उस पॉइंट को कंटिन्यूअस, मतलब उस पॉइंट पे बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। और जब डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि कहीं भी किसी में कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। जैसे इस तरह का मान लीजिए मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप लेते हैं इस तरह से वी शेप का, तो एक्स बराबर जीरो पे मॉड एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कि कॉर्नर, जहां जहां कॉर्नर बन जाता है वो डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं कहलाता। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग अभी आप कॉन्सेप्ट्स में ये सीख लें। सीधा सी बात है, आपको जानना है कि डिफरेंशिएबल होना जरूरी है और कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तो ये आपको जानना है कि ये होता है। तो हम लोग जब कंटिन्यूटी चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग दोनों चीजों के बारे में समझेंगे। अभी आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि ग्राफ जब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ग्राफ कहीं वो टूटा नहीं होगा, मतलब कि वो कंटिन्यूअस है, किसी भी प्लेन में वो जो है टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, इस तरह से आपको वो दिमाग में रखना है। तो हाँ, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पॉइंट पे नहीं होता है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे वो मतलब कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होगा कि डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। ये आप इतना अभी दिमाग में रखें। आगे आपका जो है अगला जो पॉइंट है आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। अब इसमें क्या है, जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका जो है लिमिट का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो आपको डी एल हॉस्पिटल रूल कब कब एप्लीकेबल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जीरो बाय जीरो के सकल में होगा तब, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो ये सब सारा पॉइंट आपको जो है, ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस होना जरूरी है। डी एल हॉस्पिटल रूल लगाने के पहले ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए वो फंक्शंस को। तो कंटिन्यूअस जरूरी है, डिफरेंशिएबल जरूरी है। इस तरह से हम लोग फिर फाइनली क्या करते हैं कि लिमिट अगर इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है जीरो बाई जीरो में, तो एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स लगाते हैं। अब कब लगाते हैं, क्या है, ये तो कुछ पॉइंट्स था जो कि ये सब चेक करना है आपको क्वेश्चंस को बनाने के पहले डी एल हॉस्पिटल रूल से पहले। अब करना क्या है, कब कब एप्लीकेबल करते हैं, तो डी एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल व्हेन व्हेन द फंक्शन टेक्स द फॉर्म जीरो बाय जीरो एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इस तरह के फॉर्म में, इस तरह का फॉर्म अगर कोई फंक्शंस ले लेता है तो हम डी एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब
अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होगा आपको फंक्शंस जो है आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट वो आपको लगातार क्या हो रहा है कि इंडिटरमिनेसी क्रिएट होते जा रहा है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a, अगर दिया हुआ है fx by gx दिया हुआ है, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि एक बार किए डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंस टू a f डैश x ले आए g डैश x ले आए g डैश x, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर डबल डिफरेंशिएशन किए f डबल डैश x g डबल डैश x, फिर से वो आ रहा है, तो आपको रिपीटेडली आपको उसके इंडिटरमिनेसी को क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। तो जब तक आपका ये इंडिटरमिनेसी खत्म ना हो जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये एक इसका खास बात था कि कई बार ऐसा होगा फंक्शंस में कि एक बार आप डिफरेंशिएट किए इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया, कई बार ऐसा होगा कि आप डबल डिफरेंशिएशन भी कर चुके हैं फिर भी आपका इंडिटरमिनेसी क्रिएट हो ही रहा है, तो आपको लगातार करते रहना है जब तक उसका इंडिटरमिनेसी क्रिएट मतलब ना हो, खत्म ना हो तब तक आपको डिफरेंशिएट उसको करना है। तो ये तो कुछ खास बातें जो कि हम लोगों ने किया है डीएल हॉस्पिटल रूल में। तो इस तरह से एक पॉइंट आपको लिखना है, और जब हम कई बार जैसे आपको जो है क्या होता है कि मान लीजिए ये जो चीज है लिमिट x टेंस टू a fx by gx है, एक बार आप डिफरेंशिएट किए लिमिट x टेंस टू a, तो अगर f'x एंड g'x अगर वो सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है, फिर से अगर वो इनडिटरमिनेसी क्रिएट कर दिया तो f'x और g'x जो भी सारा जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मान लीजिए कि फिर से अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंडिटरमिनेसी अगर खत्म हो जाता है तो फिर से आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, अगर यहीं पे अगर इंडिटरमिनेसी क्रिएट हो गया यहीं पे खत्म हो जाना है। तो मतलब कहने का मतलब ये हमारा है कि कई बार आपको एक ही बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका आ जाएगा, कई बार आप रिपीटेडली आपको करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिखना है आपको जो कि क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएल हॉस्पिटल रूल कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एक पॉइंट है, समटाइम्स इट मे बी sometimes it may be necessarily sometimes it may be necessarily repeated a number of times a number of times till the hour till number of times till our limit goal करता है क्या कि sometimes it may be necessarily repeated a number of times, ठीक है, till our limit goal is achieved। मतलब कि आपका जो लिमिट का कहने का मतलब आपका क्या है, DL hospital rule लगाते हैं, functions को differentiate करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, आप लगातार उसको differentiate कर रहे हैं, तो आपका जब तक ये goal आपको limit का value find नहीं कर लेते हैं, indeterminacy को
हटा नहीं लेते तब तक आपको का क्या करना है, कई बार ऐसा होगा कि आपको कई बार रिपीट करते रहेगा, आपको करना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएशन करके लाना पड़ेगा। तो यही इसका एक खास जो कि आपको कोई ड्रॉबैक इसका कह सकते हैं या फिर आप अच्छा। लेकिन हाँ एक एक इसका अच्छाई ये है कि आप कई बार जब आपका जैसे कॉम्प्लेक्स लिमिट है आपको कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा है कि उस चीज से बने, जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपको दिमाग में वो चीज नहीं आ रहा है, आप क्या लगाते हैं क्विक जैसे 0/0 का है, तो इसको कई तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, बना सकते हैं, लिमिट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपको क्या दिमाग में आएगा कि अच्छा दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो कई बार ये हेल्पफुल तभी होता है जब कई बहुत सारा कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं और आपके दिमाग में वो कंसेप्ट उस समय नहीं आ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इस कंसेप्ट को लगाते हैं, जैसे डीएल हॉस्पिटल लगा दिए और उसका वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल का मतलब ये होता है दोनों फंक्शंस को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का रहेगा x2/x³, इस तरह का 0/0 का सकल रहेगा तो आपको डिफरेंशिएट करना है 2x/3x। आप देखिए ये अभी भी 0/0 का सकल है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3, मतलब लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 2/3। इस तरह से आपको अप्लाई करना है कि जब भी कोई फंक्शंस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो कई बार आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो वो यही पॉइंट आपको मैं लिखवाया। तो ये था आपका कुछ डीएल हॉस्पिटल रूल का नियम कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सिंपली आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज आएगा और वो आपको यूज करना है और आसानी से क्वेश्चंस को कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चंस बनाते हैं इसपे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस तरह से हम लोगों ने डीएल हॉस्पिटल रूल में जो कि अभी जो पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किया हुआ रहता है, जैसे आपको कंटिन्यूअस वो पहले से होगा डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको देखना क्या है कि ये 0/0 के सकल में है कि नहीं, तो ये पुट कीजिए इसमें 0/0 सकल में। और डीएल हॉस्पिटल रूल में हम लोग करते क्या है जनरली, तो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके इंडिटरमिनेसी को रिमूव करते हैं। तो आप कब कब लगाते हैं एप्लीकेबल, तो जितना भी इंडिटरमिनेसी क्रिएट होता है जैसे 0/0 ∞/∞ उस तरह के सिचुएशन में हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपका ये 0/0 का है, पुट कीजिए इसमें फंक्शंस में, अगर x^x = a अगर पुट करते हैं तो 0/0 के सकल में वो दिख रहा है। तो x^a का डिफरेंशिएशन x^n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n(x^n-1), तो आपको यहाँ पे क्या करना है a पावर को मल्टीप्लाई में x^a-1, इस तरह से a^x का डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट a^x log a, इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इसका होता है। तो इसको लिखेंगे a^x log a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां से x^(x)(1+log x), ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म का जो ये याद रखना है आपको, x^(x) का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है x^(x)(1+log x), ये सब डिफरेंशिएशन आप याद रखिए कि अगर इतना का dx ऐसे दिया और d/dx x^(x) का अगर दिया हुआ हो तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है dy/dx x^(x) का क्या होता है x^(x)(1+log x), इस तरह से आपको याद रखना है ये सब टर्म ही होता है। अब ये कांस्टेंट टर्म का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए लिमिट x→a पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, पुट करते हैं तो आपको वैल्यू आएगा a^(a-1) - a^(a)log a, ठीक है। अब इस तरह से आपको a^(a)(1+log x), 0 तो 0 हो ही गया, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, करना है ये है कि अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, यहाँ से आपका क्या है a^(a) बच गया -a^(a)log a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है a^(a)(1+log x
वन प्लस लॉग एक्स दिख रहा है। अब देखिए यहां ए टू दी पावर ए कॉमन लेंगे तो वन माइनस लॉग ए बचा, ए टू दी पावर ए वन प्लस लॉग एक्स प्लस सॉरी लॉग ए पुट करेंगे तो लॉग ए होगा ना, यहाँ पे पुट कर दिए तो लॉग ए। अब यहां से देखिए आपको ए से ए कैंसिल हो गया, यहां आपको देखिए लॉग ई टू दी बेस ई क्या होता है वन, ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग ई टू दी बेस ई को वन को लॉग ई टू दी बेस ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वन को इस तरह से माइनस लॉग ई टू दी बेस ए, ठीक है। अब आपको देखिए इसको भी लिख सकते हैं लॉग ई टू दी बेस ई प्लस लॉग ई टू दी बेस ए, लॉग ए टू दी बेस ई लॉग ई टू दी बेस ई को वन को ऐसा लिख सकते हैं, जब भी ऐसा दिखे बेस सेम हो लॉग ए टू दी बेस ए कुछ भी हो वन होता है, लॉग टू टू दी बेस टू वन, इस तरह से कई बार ऐसा आपको आएगा वो वन ही होता है। तो आप एक और फार्मूला याद ही कर ले कि अगर हम पहले भी पढ़ बता चुके हैं आपको कई वीडियो में आपको ये फार्मूला लॉग एम बाई एन ऐसा अगर लिखा हुआ हो इसको लिखते हैं लॉग एम माइनस एन लॉग एन, तो इसको अगर इस तरह के फॉर्मेट में है और लॉग एम इंटू एन अगर रहता है इसको लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ई बाई ए, इस तरह से इसको लिखेंगे लॉग ई बाई ए सॉरी सॉरी लॉग ई नहीं, इसको लिखेंगे लॉग ई इंटू ए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस था आपको। अगला टॉपिक आपका एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन सबसे पहला एक्सपेंशन आपका है वन प्लस एक्स टू दी पावर एन वन प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन बाई टू का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन बाई थ्री का फैक्टोरियल एक्स क्यू डॉट 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 करके, दूसरा ई टू दी पावर एक्स था वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 करके था, तीसरा ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, ए टू दी पावर एक्स वन प्लस एक्स लॉग e टू दी बेस ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल लॉग e टू दी बेस ए का होल स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व डायरेक्ट, ये आपको पहले याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको ये याद रखना है, आप सबसे पहले चीज आप जितना सारा एक्सपेंशन लिखाया जा रहा है आपको याद कर लेना है कि ये कैसे होता है, ये आपको याद रखना है। आपको देखिए लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स फोर माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस डॉट 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 कर, ये चार एक्सपेंशन और भी हमारे ये सब नोट डाउन आप कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन है आपको जो कि याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसका। इस तरह से आपका ये था। अगला एक्सपेंशन है cos x वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर का फैक्टोरियल डॉट 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 करके, इस तरह से। छठा साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से सातवां लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस डॉट 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 करके, इस तरह से होता है। आठवां टेन एक्स
टेन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स फाइव प्लस डॉट डॉट करके इस तरह से आपको टू बाई फिफ्टीन एक्स फाइव नाइन नंबर टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में आपको क्या होता है, आपको टेन इनवर्स एक्स में एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स फाइव बाई फाइव इस तरह से होता है। आपका एक लास्ट एक्सपेंशन जो है वो आपको देखना है, ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग टेन जो कि है आपका साइन इनवर्स एक्स एक्स माइनस वन बाई टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस वन बाई टू थ्री बाई फोर एक्स फाइव बाई फाइव, इसलिए फिर माइनस माइनस प्लस माइनस वन बाई टू थ्री बाई फोर फाइव बाई सिक्स एक्स सेवन बाई सेवन डॉट 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 करके। ये कुछ एक्सपेंशन जो है आपको याद रखना है, और जब ये आपको जब तक याद नहीं, हम ये बता दूं आपको इस एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने के पहले आपको क्या करना है, ये सारे एक्सपेंशन को एकदम थॉरली आपको याद कर लेना है। आपको जब तक ये याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चंस में यूज नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है, बट सबसे पहले आपको इस एक्सपेंशन को याद करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे कॉस एक्स आ गया तो कॉस एक्स को कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको याद रखना है। जैसे आपको जैसे क्या होता है, जिस तरह से आप टेबल को याद करते हैं कि वन बाई वन वन टू थ्री फोर ऐसे करके याद कर लेते, उसी तरह से आपको इस एक्सपेंशन को याद रखना है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे अच्छे से तरीके से। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कैसे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं इस एक्सपेंशंस को अप्लाई करके। तो देखिए ये तो था, तो ये मिटाते हैं सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस है। तो आपका जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड जो है ये सारा प्लस होता है आपका जो है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक्स बाय मिस्टेक हम लिख दिए थे इसको इस तरह से आपका जो है। तो एक्सपेंशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सपेंशन का यूज करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आपका वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है तो एक्सपेंशन को यूज करके कैसे, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों ने जीरो बाय जीरो शकल का जो है क्वेश्चंस जो किया था। तो क्या होता है कि जीरो बाय जीरो शकल का रहता है तो हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड में या फिर फैक्ट इनडिटर्मिनेसी जब क्रिएट होता था तो वहां भी हम लोग क्या करते थे कि कुछ कॉमन होता था फैक्टर मिलता था उसको कैंसिल करते थे तो हम लोग इनडिटर्मिनेसी को रिमूव करते थे। यहाँ भी उसी तरह का जीरो बाई जीरो शकल का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वो सारे कंसेप्ट को लगाने के बजाय हम लोग एक्सपेंशन डायरेक्ट इसका खोल देंगे। एक्सपेंशन खोलेंगे तो डायरेक्ट हमको इसका वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप ये लगाते हैं डी एल आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको इसको एक्सपेंशन से कैसे करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर डी एल हॉस्पिटल रूल लगाए थे तो वन वन जीरो या वन टू एक्स माइनस इट दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इट दी पावर एक्स ही होता है टू एक्स। फिर से ये
डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी आ रहा है, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इनडिटरमिनेसी हटाने के लिए रियल हॉस्पिटल रूम में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन थी, ये जीरो ठीक है, और ये टू माइनस ई टू दी पावर एक्स बाय ठीक है, ये क्या हो जाएगा टू। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़े थे कि आप लोगों ने क्या किया था, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x टू। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब क्या होगा, जैसे टू माइनस e टू दी पावर x है बाय टू। अब देखिए इस e x टेंड्स टू जीरो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू माइनस e टू दी पावर जीरो बाय टू, मतलब टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, मतलब कि आपको कई तरह से आप आंसर्स को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम डीएल हॉस्पिटल रूल से आपको आंसर सेम ही आएगा, जैसे आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाए तो यहाँ पे वन बाई टू ही आया। तो हम लोगों ने क्या मतलब यहाँ पे ये सोचना है कि आपको अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं या फिर एक्सपेंशन से बनाते हैं तो आपको बनाने से कोई दिक्कत नहीं, आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाए या फिर एक्सपेंशन लगाएं या फिर इंडिटरमिनेसी हटाने के लिए और भी कोई टेक्निक आप अगर पढ़े हैं लिमिट में वो भी लगा सकते हैं, आंसर सारे कंडीशन में आपको सेम ही आएगा। आप डीएल हॉस्पिटल लगाएं या फिर आप एक्सपेंशन लगाते हैं आपका आंसर मिसमैच नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों ने देखा अभी वन बाई टू आया था डीएल हॉस्पिटल से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एक्सपेंशन से, तो क्या था एक्सपेंशन, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x का एक्सपेंशन हम लोग क्या जानते हैं, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 करके, इस तरह से एक्सपेंशन था आपका। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो गया ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x स्क्वायर माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल डॉट डॉट करके आगे तक जाएगा आपको इनफाइनाइट तक एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ना, और एक्स से माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ से आपका बच गया एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस माइनस क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, टू का फैक्टोरियल टू होता है आपका माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है, जो कि आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे कि फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस तरह से आपका एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन तो वन माइनस वन बाई टू और क्या होता है एक्स बाई सिक्स by x square, x square से x square cancel, limit x tends to 0, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपका क्या बच गया 1 minus 1 by 2 का value 1 by 2। इस तरह से आप किसी भी approach को apply करें आपका जो value आएगा answer आएगा वो same आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है, आपको कौन सा टेक्निक आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वही टेक्निक आप लगाएं। इसको कई तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी दो दो मेथड से इसको देख चुके हैं, जैसे डीएल हॉस्पिटल रूल से भी बना चुके हैं और क्या बोलते हैं एक्सपेंशन से भी हम लोग बना चुके हैं। तो इस तरह से आपका था ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चंस जो हम लोग अभी किए हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा कि दोनों मेथड से हम लोग सेम आंसर लाए, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। जैसे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिए हैं तो वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चंस बनाते समय में कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है कॉन्सेप्ट्स को यूज करना, वो आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।